कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज के अभिभाषण पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। मध्य प्रदेश के इतिहास के और हमारे राजनीति के 30 वर्ष के विधायक कार्यकाल के समय का सबसे लंबा, सबसे असत और सबसे झूठ का पुलंदा है। और शिवराज सरकार को मैं एक बात में जरूर धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वन विभाग ने उन्हें 21 रोजड़े नीलगाय पकड़ लिए, इसके लिए भी उल्लेख किया है। इससे निम्न स्तर सरकार की सोच में क्या हो सकता है, ये राज्यपाल के भाषण से प्रतीत होता है। सर, इसमें पूरा अभिभाषण हुआ, इसमें जरूरी तो नहीं कि सभी चीज खराब हो, कुछ चीज तो होगी जो आपको लगा हो कि वाकई में सरकार ने अच्छा काम किया प्रदेश की जनता के लिए। सरकार ने एक भी अच्छा काम नहीं किया है, जितने भी घोषणाएं किए हैं घटी पिसी हैं। पुराने वर्ष में वर्षों से जो बोल चले आ रहे कहते वही योजना का उनका लोक है, नई कोई योजना है नहीं है। और वित्तीय स्थिति की असत घोषणा की है, वित्तीय स्थिति गर्त में है, करोड़ों का कर्ज में मध्य प्रदेश डूब चुका है और राज्यपाल के अभिभाषण में उसको अच्छा बता रहे हैं, सुशासन बता रहे हैं। इससे ज्यादा झूठ का पुलंदा और क्या हो सकता है। आखिरी सवाल सर पूछना चाहूंगा, सर कल के आंदोलन की क्या तैयारी? सर, पूरी तरह से पूरे मध्य प्रदेश की कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कुरीतियों और उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए गोलबंद होकर हम सब लोग मध्य प्रदेश की भोपाल की राजधानी को गर्मी पैदा करने का काम करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। साफ तौर पर देख सकते हैं कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि यहाँ पर झूठ का पुलिंदा यहाँ पर पेश किया गया और कल के आंदोलन के लिए पूरी तरह से तैयार यहाँ पर कांग्रेस नजर आ रही है। लेकिन देखना होगा कि कल कांग्रेस यहाँ पर अपना क्या दमखम दिखाती है। कैमरा पर्सन अनवर खान के साथ शरद व्यास, इंडिया फर्स्ट न्यूज, भोपाल।